बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक। मैं हूँ नाज़िया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ समी इकबाल। और वेदर अपडेट के साथ मैं हूँ अब्दुल करीर। खबरनामे में फिर वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीटीआई ने 4 साल में 1 ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हो गई, हमारे तमाम मंसूबे कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत हैं। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जुरतमंदाजा फैसले करना होंगे। अवाम ने इलेक्शन में नवाज शरीफ को मौका दिया तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सियालकोट के होनहार तलबा में भी लैपटॉप तकसीम, नौजवान नस्ल से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। रवां साल 1 लाख मजीद लैपटॉप दिए जाएंगे, अवाम की फलाह अहम तरजीह है। IMF माहिदे से रुपये की कदर मुस्तहकम हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। मेरिट की पॉलिसी ही पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ की क़यादत में सियालकोट के अरकान पार्लियामेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की माशी बहाली और IMF माहिदे पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। बरामद कुनंदगान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वन विंडो ऑपरेशन सहूलत मरकज कायम किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़िले इंतजामिया को कौमी शाहराहों की तामीर और मौजूदा शाहराहों की मुरम्मत और बहाली की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। सिपा सालार की ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मुलाकात। दहशतगर्दी खित्ते खास तौर पर दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरक खतरा है। दोनों रहनुमाओं का इंटेलिजेंस शेयरिंग और मौसर इकदाम से इस नासूर के खात्मे के अज़्म का इयादा। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को ईरानी मुसल्लाफाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अनाड़ी की सियासत ने आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को तबाही से दोचार किया। इक्तसादी राहदारी को नाकाम बनाने की साजिश की गई, सियासी मुखालिफीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथियों ने जबर का सामना किया लेकिन अपने मौकिफ पर डटे रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनों को ढाल बनाने वाला लीडर नहीं हो सकता। हमारी हुकूमत ने नौजवानों के हाथ में लाठी देने के बजाय लैपटॉप्स दिए। अब हम जानते हैं कि किस जमात ने खिदमत की सियासत की और किसने इंतजार फैलाया। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल। जैसनों को सजा मिलनी चाहिए, सजा न होने का सवाल ही नहीं उठता। नाकाओं को भी केसेस का सामना करना चाहिए, होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो जाए तो अच्छा है। यकीनन उसको मेरा मकूब है कि उसको सजा होना चाहिए, सजा होनी चाहिए चाहे कोई भी हो, सजा बनती है। कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। कानून की हुक्मरानी और यकसा इतलाक पर कोई दूसरी राय नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या कोई और, जिसने भी करप्शन की है उसे सजा मिलनी चाहिए। अवाम की राय। शराह करकरम पर गिलगित के करीब कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी, 7 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। हादसा थलेची के मकाम पर पेश आया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कश्मीरियों की सियासी और माशी महरूमियों में इजाफा, काबिज इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे, भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमा और कारकुन बुनियादी सहूलतों से महरूम। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक काउंसिल का अजलास, भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में अकलियतों पर मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद। मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित कम्युनिटी का एहतजाजी कैंप। मोदी का भारत इंतहा पसंद रियासत में तब्दील हो चुका, अकलियतें महफूज नहीं। आलमी बिरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने और भारतीय हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा।
अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का मामला, रूस का भरपूर जवाब देने का ऐलान। दुश्मन के तमाम इकदामात नाकामी से दो चार हुए, हमारे पास काफी क्लस्टर बम हैं, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे, सदर व्लादिमीर पुतिन। अमरीकी रियासत अलास्का में 7.2 शिद्दत का जलसला, सुनामी वार्निंग, गहराई 9.3 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शिमाली अमरीका, यूरोप और एशियाई खित्ते पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, अमरीका और कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड दर्जा हरारत से आतिशजदगी। इटली, स्पेन, यूनान, फ्रांस समेत कई यूरोपीय मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में, हीट वेव अलर्ट जारी। जापान और चीन के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम की शिद्दत, जनूबी कोरिया में बारिशों और सैलाब से 35 अफराद हलाक। Nicely played through the mid-off area for four. That's such a good shot. Edge, that's number four. Brilliant. Brilliantly taken. Gotten wide and put away beautifully by... गोल क्रिकेट टेस्ट का पहला दिन, पहली इनिंग्स में श्रीलंका की 6 विकेटों पर 242 रन, धनंजय डिसल्वा 94 रन पर नॉट आउट, एंजेलो मैथ्यूज के 64 रन, शाहीन आफरीदी की 3, नसीम शाह, इब्रार अहमद और आगा सलेमान की 1-1 विकेट। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Once again, finds the edge, taken in the slip. Hit him somewhere. फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी, करियर के 26वें टेस्ट में कारनामा अंजाम दिया, एजाज हासिल करने वाले 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। और कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग, इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफी और थीम सॉन्ग की रुनुमाई, मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर डिवीजन की 9 टीमें शरीक, मुकाबले 21 जुलाई तक जारी रहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद, पिशावर और मुल्तान के बाद अब लाहौर और सियालकोट में एक साथ प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत आसान कारोबारी कर्जाजात के चेक्स की तकसीम, होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि PTI ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई, मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हुई, हमारे तमाम मंसूबे कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत हैं। उन्होंने ये बात लाहौर में वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में अवाम ने नवाज शरीफ को दोबारा मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राणा इफ्तिखार अहमद। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में मुल्की तरक्की का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया, बल्कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिसको धक्के के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। 4 साल दिन रात चोर डाकू की वो गर्दान करता रहा और एक ईंट नहीं लगाई। ये आपका फैसला है इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है, लेकिन फैसला आपने हकायक को देखकर,
फैसला करना है तो वो फैसला बहुत पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का प्रोग्राम हमारे लिए चैलेंज है, जुरतमंदाना फैसले किए तो मईशत मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौर में अमीरों को $3 अरब के जो कर्जे दिए गए, अगर उनमें से $1 अरब भी नौजवानों को मिलते तो ये मुल्क की तकदीर बदल देते। ये कहते थे, याद है आपको, कि ये लैपटॉप नहीं दे रहा, ये रिश्वत दे रहा है। ये वही लैपटॉप है जिसने पाकिस्तान के अंदर कोविड के जमाने में हमारे हजारों नहीं लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी तदरीज का सिलसिला मुनकते नहीं होने दिया। ये वही लैपटॉप है जिसने आज इस मुल्क के अंदर IT का एक इनकलाब बपा किया है। ये वही लैपटॉप है जिसने लाखों बच्चों को फ्रीलांसर बनाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और मुआवने खसूसी शजा फातमा खाजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने गुज़श्ता 5 माह के दौरान नौजवानों को 30 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए हैं। ये बिला सूद कर्जे हैं, इससे नौजवान नस्ल को फायदा मिलेगा और हमारी जो यूथ है उसको मौका मिलेगा अपनी एनर्जी के साथ अपने बिजनेस करने का। मेरे को लोन 3.5 लाख रुपए मिले, इस मिली हुई रकम को मैं अपना जरूरत वाला सामान खरीद कर इसको बहुत बढ़ाऊंगी। मुल्क भी तरक्की इंशाल्लाह करेगा और मेरे घर का निज़ाम भी चलेगा, इनसे फायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह अपने माँ बाप का वसीला बनेगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिला सूद कर्ज हासिल करने वाले नौजवानों में चेक्स भी तकसीम किए। नौजवानों को मौकों की फराहमी से तरक्की के अहदाफ का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना हुकूमत का विजन है, कौमें इल्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। $45 मिलियन के लैपटॉप मेरिट के बुनियाद पर दे रहे हैं, तलबा में मरहलावार 2 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे, खवातीन को मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तालीम याफ्ता अक़वाम ही आगे बढ़ती हैं, नौजवानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप दे रहे हैं। ये लैपटॉप का प्रोग्राम 2011 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में इसका आगाज किया। कोई एहसान नहीं आपके ऊपर, आपके वालिदैन ने जितनी मेहनत करके रिज़्क के हलाल की कमाई से आपको पढ़ाया लिखाया और आपको आगे और तालीम दिलवाने के लिए दिन रात वो कोशा हैं। आपके असातिज़ा कराम ने जितनी अरकरेजी से आपको तरबियत दी है, ये उसका नतीजा है कि आज पूरी कौम ने देखा कि आपको लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड कायम किया है जिसमें अरबों रुपए रखे गए हैं, खवातीन अमली मैदान में आगे आएंगी तो ही तरक्की का पहिया चलेगा। मैं समझता हूं कि कोई कौम सही मानों में तरक्की के पहिए को बरकतारी से आगे नहीं चला सकती जब तक कि उस कौम की खवातीन उसका भरपूर हिस्सा ना बने। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको सबको मैदान में, अमली मैदान में आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में अवाम ने मौका दिया, मुल्क में तालीम के शोबे में इंकलाब लाएंगे। इलेक्शन में अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे, उस हुकूमत का फर्ज होगा कि वो तालीम के मैदान में वो वसाइल की कोई कमी महसूस ना होने दें। अगर हमें मौका दिया, पूरी कौम से वादा करता हूँ कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में तालीम के मैदान में हम उस इनकलाब को जो 2011 में शुरू किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और हर बच्ची और बच्चे को लैपटॉप से झोली में देंगे इंशाल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि नौजवानों को तालीम और तरबियत की फराहमी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वीजन है। बहसियत वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी, लाखों तलबा और तालिबात को आला तालीम की फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इकदाम उठाए हैं। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 4 वुमेन यूनिवर्सिटीज की तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात में मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम किए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म
وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ نے ملاقات کی اور آئی ایم ایف معاہدے اور معاشی بحالی کے لیے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملکی مفاد میں سخت فیصلوں میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے پر وفد کے ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سیالکوٹ چیمبر کے وفد نے بھی ملاقات کی اور بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ برآمد کنندگان کی مشکلات کے حل کے لیے ون ونڈو آپریشن سہولت مراکز کے قیام کے لیے پالیسی تشکیل دی جائے۔ محمد شہباز شریف نے سیالکوٹ انتظامیہ کو قومی شاہراہوں کی تعمیر اور مرمت و بحالی کے لیے بھی ہدایات جاری کی۔ ریلوے اور ہوابازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پی آئی اے اصلاحات میں پیش رفت اور خدمات کی فراہمی میں بہتری کے لیے آؤٹ سورس اقدام بارے وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وفاقی وزیر نے قومی ہوابازی پالیسی اور ریلوے منصوبے ایم ایل ون سے متعلق امور کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ایران کا دو روزہ دورہ کیا اور ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بری فوج کے سربراہ نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور علاقائی امن و استحکام پر گفتگو ہوئی۔ جنرل سید عاصم منیر اور ایرانی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کے درمیان ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی خطے خاص طور پر دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور مؤثر اقدامات سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں مختلف جہتوں میں سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر بھی غور ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ملٹری ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ایرانی مسلح افواج کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اور ناظرین، تعلیم اور صحافت سے وابستہ افراد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شرپسند عناصر کو سزا دی جائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص بھٹی۔ قوم 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر آج بھی رنجیدہ ہے اور شر پسندوں کی طرف سے قومی املاک کو نقصان پہنچانے، خصوصی جناح ہاؤس کو نظر آتش کرنے پر سخت نالا ہے۔ مختلف سکول کے استاذہ اور طلبہ طلبات نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور قائد اعظم کی اس یادگار کو نقصان پہنچانے پر شدید ہم و غصے کا اظہار کیا۔ یہ جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے، کسی بھی طبقے سے ہے، شعبے سے ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ طلبہ طلبات نے ان شرمناک واقعات میں ملوث شرپسندوں کو سخت سزا دینے اور جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ جو کچھ بھی ہوا آج ہمیں دیکھا، میں اس سے نہایت افسوس ہوا۔ قائد کے گھر کو ایسا دیکھ کر دل کو اتنا ہوتا ہے کہ دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ جب ہمارا نعرہ یہ تھا کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور تیرا پاکستان اور میرا پاکستان ہے۔ 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جس طرح کی تباہی کی گئی کچھ شر پسندوں نے، ہمارے قومی ورثے کو نقصان پہنچایا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو ہماری سیکھ تھی وہ یہ تھی کہ ہم رنگ، نسل، مذہب کو چھوڑ کر آگے بڑھیں اور ہم ایک دوسرے کو یہ سکھائیں، سمجھائیں کہ ایک بڑا پاکستان، ترقی یافتہ ملک کیسے بنانا ہے۔ معروف صحافی مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شر پسند تربیت یافتہ تھے جنہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے تباہی کیسے لانی ہے۔ یہ کسی طور پر بھی کوئی سیاسی کارکنوں کا کوئی سیاسی عمل نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک پیشاور دہشت گردوں کی ایک منظم کارروائی لگتی ہے۔ مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی بقا اسی میں ہے کہ ایسے عناصر جو شہر اور ملک دشمنی کا سبب بنے ان کو نشانۂ عبرت بنایا جائے۔ وقاص بٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، شہریوں کا کہنا ہے کہ قانون کی حکمرانی اور یکساں اطلاق پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف ہو یا کوئی اور، جس نے بھی کرپشن کی ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ جیسے ان کی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ سزا نہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر وہ غلط ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ گناہوں کو بھی کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، ہونی چاہیے۔ گرفتاری ہو جائے تو اچھا ہے۔ یقیناً اس کو مہر موقوف ہے کہ اس کو سزا ہونا چاہیے۔ سزا ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو۔ سزا بنتی ہے۔ کرپٹ سڑے کہ عمران خان بھی اوکار سوپی، ہر چالا سزا پکارنا۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لانی چاہیے۔ تو وہ کون ہوتا ہے کہ وہ سزا سے بچ سکے؟ عمران خان صاحب بھی غلط، بھرپور سزا پکار۔ گرفتاری ہونی چاہیے، بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے، اس کے بعد بالکل سزا ہونی چاہیے۔ جو ہماری معزز عدالتیں ہیں
वहाँ उनके थ्रू उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसको सजा होनी चाहिए जी। बिल्कुल बकार जी, करप्शन केस पे साबित से मुखामखा वाला सजा और कोर्ट पकड़, हर सूरत उनको सजा होनी चाहिए, सजा मिलना चाहिए, केफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। साबित शुबा हो और कल बकार जी और वो खान बंडी उसको करप्शन में सजा हो सकती है, उनको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान हो जो भी हो, उनको करप्शन में सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। खबरनामे का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। यह तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद, पिशावर और मुल्तान के बाद अब लाहौर और सियालकोट में एक साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत आसान कारोबारी कर्जाजात के चेक्स की तकसीम, होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ اناڑی کی سیاست نے آگے بڑھتے پاکستان کو تباہی سے دوچار کیا، گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنوں کو ڈھال بنانے والا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، محمد نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے جبر کا سامنا کیا لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہے، ہماری حکومت نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لاٹھی دینے کی بجائے لیپ ٹاپس دیے۔ تفصیل جانتے ہیں راحیل انصار سے۔ سیالکوٹ میں سڑک کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، چیئرمین پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، مگر اتحادی حکومت کی کاوشوں سے نہ صرف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ دوست ممالک کا اعتماد بھی بحال ہوا۔ چار سالوں میں عمران خان نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، انقلاب لانے کی باتیں کرتا تھا، ایک دن گرفتار ہوا تو
तो टांगे कांपने लग गई। दुहाई है जेल से बचा लो। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में सीपैक के रुके हुए मंसूबों पर हमारी कोशिशों से दोबारा काम का आगाज हो गया है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की है। हमने यूनिवर्सिटियों के बजट में 150% से ज्यादा इजाफा किया है। हमने अगर नौजवानों को लैपटॉप का रास्ता दिखाया ताकि ये उन लैपटॉपों से पाकिस्तान को नई मईशत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तरक्की दें। वजीर मनसूबा बंदी का कहना था कि हमने रियासत को सियासत पर फोकियत दी, हमारी मुस्बत कोशिशों के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। फैसलाबाद के इलाके अरफा करीमाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का कहना था कि गुज़श्ता 4 साल एक फितना मुसल्लत रहा जिसने वतन अजीज को बुहरानी कैफियत से दो चार रखा। पीटीआई चेयरमैन ने इकतदार की हविस में नफरत और तकसीम की सियासत को फरोग दिया और शहदा के तकद्दस को पामाल किया। राना सनाउल्ला का कहना था कि तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की तरक्की को तरजीह दी और बहरानों से निकाला। अवामी खिदमत का यह सिलसिला जारी रहेगा। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होने वाले इस इजलास में मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने आम इंतखाबात की तैयारियों और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया। और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के जरिए अवाम को रिलीफ देने का खैर मकदम करते हुए शहरियों ने इसे हुकूमत का एहसन इकदाम करार दिया है। जीशान अहमद से तफसील जानते हैं। हुकूमत की मजबूत मुआशी पॉलिसियों और रुपए की कदर में इस्तेहकाम के बाद अवाम को उन पॉलिसियों के समरात पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया और पेट्रोल की कीमत 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी की गई। अवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी से उन पर महंगाई के बोझ में खासी कमी वाकई होगी। तो रिलीफ हुआ है माशाल्लाह से, बहुत फर्क पड़ा है। पेट्रोल का कम हो के हम बहुत खुश हुए, गरीब लोग हैं, हम दुआएं करते हैं अल्लाह आप गवर्नमेंट को, हमारे पूरे मुल्क को आबाद करे, खुशहाल करे। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बहुत फर्क पड़ा है माशाल्लाह से। मैं तो पुराने रेट से पैसे निकाल के बैठा हुआ था। पहले हुकूमत ने जो मसले किए थे, चलो ये हुकूमत थोड़ा उसको हल करने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बराह रास्त असर आवाम की रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर भी होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम को रिलीफ फराहम करने का जरिया है। पेट्रोल में कीमत कमी करी है तो बहुत अच्छी बात है, अंदर किराया भी कम ले पाएंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा है, ये कीमत कम होगी तो अजाब और भी जो है खाने पीने में हर चीज में रियायत मिलेगी। बैनुल अक्वामी मार्केट में पेट्रोलियम की कुछ मसनूआत में इजाफा हुआ, तहम हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की है। जुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। दूसरी जानिब अहलियाने लाहौर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सराहते हुए कहा है कि इसके समरात फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल होने चाहिए। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। मुल्की मईशत के उफक पर गैर यकीनी के बादल छटते ही मुआशी रिलीफ की किरणें अर्ज पाक पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। स्टॉक मार्केट में बेहतरी और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी यकीनन अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को बेहतर मुआशी हिकमत अमली का नतीजा करार दिया है। जो गरीब तबका है इस वक्त अवाम का, अवाम है तो वो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। ट्रांसपोर्टर जो हजरात है उनको भी चाहिए कि इससे जो हुकूमती अच्छा इकदाम है उसे आवाम तक जो है ना वो इसका असर जाए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करके जमहूरी हुकूमत ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। इस इकदाम से अशिया खुरनोश और किरायों में भी कमी हो सकेगी जिससे आम आदमी को मजीद फायदा पहुंचेगा। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो इनको चाहिए, पाकिस्तान रेलवे को भी चाहिए और जितने ट्रांसपोर्टर हैं ये भी किराए कमी करे, ट्रांसपोर्ट माफिया भी किराए कम करे और दूसरी चीजें भी नीचे आनी चाहिए क्योंकि पेट्रोल ऊपर जाता है तो हर चीज ऊपर चली जाती है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आइंदा 15 रोज के लिए किया गया है। ये कीमतें 31 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदाम के समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने 4 बरस से तातुल के शिकार तरक्याती अमल को बहाल किया। इस्लामाबाद में सियासी इंतकाम की बुनियाद पर रोके गए मंसूबों पर काम के साथ साथ अरबों रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए।
रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। इस्लामाबाद में इस वक्त 150 अरब के तरक्याती मंसूबे पर मुस्तअदी से काम जारी है। हुकूमत का कहना है कि इनमें से 100 अरब के मंसूबे जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जारी मंसूबों में सबसे अहम बाराकोव फ्लाईओवर है, जिससे लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। ये मंसूबा इसी माह के आखिर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री मंसूबा भी मेगा प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है, जिसे आइंदा साल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे के कई सेक्शन तकमील के आखिरी मराहल में है। मंसूबे की तकमील से मुलहक्का इलाकों के रिहायशियों और शुमाली इलाकों की तरफ जाने वालों को बेहतरीन सफरी सहूलत मैसर आ सकेगी। इस्लामाबाद आने वालों के लिए मुतबादल रास्ता फराहम करने वाली खयाबान मारगला गुज़िश्ता माह मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। ये शाहराह संगजानी से डी 12 को मिलाती है। मंसूबे से श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक के बहाव में कमी आई है। साबिका IGP रोड का इफ्तिताह भी गुज़िश्ता माह कर दिया गया है। जुड़वा शहरों के संगम पे वाकिया ये आम शाहराह हैवी ट्रैफिक की वजह से अक्सर ब्लॉक रहती थी। वज़ीर आज़म ने 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया है। ओवरहेड ब्रिज के 4 लूप्स हैं। ये सेक्टर G7 और G6 को आपस में मिलाते हैं। श्रीनगर हाईवे पे ये ओवरहेड ब्रिज शहर की खूबसूरती के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी का भी बायस है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 11th एवेन्यू मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया है। 7.2 किलोमीटर का ये मंसूबा 2 मराहल में मुकम्मल होगा। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इस्लामाबाद के दही इलाकों की तरक्की के लिए भी 20 अरब के मेगा डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया है। सिकंदर आजम रोड की तामीर 9 इसी का हिस्सा है। मारगला पहाड़ियों के वस्त से गुजरकर इस्लामाबाद को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली इस शाहराह की तामीर 9 से इलाके में सियाहत को भी फरोग मिलेगा। रावल चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म ने किया, जबकि पार्क रोड और इससे मुलहक़ा लहतरार रोड की तौसी और तामीर नौ भी अहम मंसूबों में से एक है। मकामी और बैन अल-अक़वामी खेलों को फ़रोग देने के लिए स्पोर्ट्स इनक्लेव के क़याम समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर भी काम तेजी से जारी है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पुर्तगाल में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाइंदाबाद का इनेकाद किया गया। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में होने वाले तारीखी प्रोग्राम में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन और शुरका ने 9 मई को होने वाली शरपसंद कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत की और रियासत और पाक फौज की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। शाही रिक्शों पर सवार रैली के शुरका ने पाक फौज की हिमायत में फलक शगाफ नारे बुलंद किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पंजाब बार काउंसिल की जेल रिफॉर्म्स कमेटी के अरकान ने मुलाकात की और कैदियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए तजावीज़ पर बातचीत की। निगरान वज़ीर आला ने काबिल अमल तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि जेल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दी जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कैदियों के खाने के बजट में इजाफा किया गया है और अहले खाना से टेलीफोनिक गुफ्तगु का दौरानिया माहाना 300 मिनट तक बढ़ा दिया गया है। वफ़ ने कैदियों को मुफ्त लीगल इमदाद मुहैया करने की पेशकश की और जेल इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश की। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों को इक्तसादी तौर पर कमजोर करने की काबिज़ हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजाहरीन ने श्रीनगर के इलाके नवाब बाजार के करीब SMHS अस्पताल के तरफ जाने वाले पुल को बंद कर दिया। इलाके में एहतजाज के बाइस कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। जम्मू में पुलिस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनों को मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना इकदामात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया। वो मकबूजा इलाके में गैर कश्मीरियों को आबाद करने के खिलाफ नारे लगा रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी सियासतदान अगस्त 2019 के बाद पाबंदियों में ज़िंदगी गुजारने के आदी हो चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करेगी, जो अगस्त से दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 7 अफराद की गैर कानूनी नज़रबंदी को कल अदम करार देते हुए रिहाई के अहकाम सादर किए। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल का 53वां इजलास जारी है।
भारतीय मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलितों ने इंसानी हकूक काउंसिल हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी कैंप लगाए, एहतजाजी बैनर्स आवेजा किए और भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी पर आवाज़ बुलंद की। एहतजाजी कैंप के मुंतजमीन का कहना है कि हमारी अपनी ज़ुबान, अपना मजहब और अपना कल्चर है, लेकिन मोदी के बरसर इकतदार आने के बाद भारत में अकलियतें महफूज नहीं है। बीजेपी आरएसएस हुकूमत का रिकॉर्ड अकलियतों, बिलखसूस मुसलमानों के हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से भरा पड़ा है। एहतजाजी कैंप के शुरका ने कहा कि भारत एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है, जहां हिंदू इंतहा पसंदों ने दूसरे मजाहिब के लोगों का जीना हराम कर रखा है और हुक्मरान जमात ने अकलियतों पर हमला करने और उन्हें हिरासा करने का इख्तियार दे रखा है। एहतजाजी कैंपों के शुरका ने आलमी बरादरी से भारत में जारी मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, हिंदुस्तान जले या डूबे, मोदी को बैरूनी दौरों से ही फुर्सत नहीं। 2014 से इकतदार में आने के बाद से मोदी ने अब तक 65 ममालिक के 71 दौरे कर डाले। भारतीय आवाम ने नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि अंदरूनी नस्ली फसादात, अकलियतों के खिलाफ बढ़ते जराइम और मजहबी तकसीम से अक्सरियती खुशनूदी का मकसद सियासी और इंतखाबी वसाइल का हुसूल है। मोदी को बाहर की फिक्र छोड़कर घर के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए। और नाज़रीन, गिलगित के करीब थलेची के मकाम पर सयाहों की कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी। इत्तलात के मुताबिक हादसे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं, जिनको गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बस हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर रंज व गम का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के लिए मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी सयाहों की कोस्टर को पेश आने वाले हादसे पर दुख का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी की हिदायत की है। नज़रीन, दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो गई है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया है और इस वक्त पानी की आमद और अखराज 18,564 क्यूसिक है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद और अखराज 77,665 क्यूसिक है। हेड सुलेमानकी से मुंसलिक अजला पाकपतन, विहाड़ी और बहावल नगर को हाई अलर्ट रखा गया है और तीनों अजला में रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पानी का रेला हेड सुलेमानकी से हेड इस्लाम तक 60 घंटों में पहुँचेगा। हेड इस्लाम से मुंसलिक अजला बहावलपुर और लोधरा को भी हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। दरियाए सतलुज से मुंसलिक इलाकों में 408 रेस्क्यूअर्स, 135 कश्तियों, लाइफ जैकेट्स, लाइफ रिंग्स, वायरलेस सेट्स और दीगर मशीनरी के हमरा रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सतलुज की दरियाई बेल्ट से मुंसलिक इलाकों से अब तक 26,428 अफराद को ज़रूरी साजो सामान के हमरा महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 1643 जानवरों का इनकलाबी यकीनी बनाया गया है। DGPDM में सैलाबी अजला में खुद जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर इदारों को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह रखा जा रहा है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर PDMA ने सूबा भर के तमाम अजला को ज़रूरी मशीनरी और फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया है। हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और हिकमत अमली के सबब अहम तरीन फसल कपास का पंजाब में मुकर्रा टारगेट का 92% रकबा जेरे काश्त लाया जा चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 10 लाख एकड़ से जायद है। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक की जानिब से कपास और मौसमी काश्त की फसलों की मुसलसल निगरानी भी जारी है। तफसील से आगाह कर रहे हैं फरहान मिर्जा। रवां बरस मौजूदा हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और हिकमत अमली के बाइस गुज़िश्ता कई सालों के बाद 46 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा कपास के ज़ेरे काश्त लाया गया है, जबकि कुल हदफ 50 लाख एकड़ रकबा है। जनूबी पंजाब का खिता कपास की काश्त में सबसे आगे है। इस जरखेज जमीन पर 43,45,000 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त मुकम्मल कर ली गई है। हमारी कोशिश ये है, जहाँ कॉटन लगी है वहाँ आदमी हमारा जाए और मुसलसल मॉनिटरिंग करें, जहाँ पेस्ट प्रेशर है उसकी रिपोर्ट हो, एडवाइजरी की जरूरत है वहाँ एडवाइजरी दी जाए। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने, फसलों पर कीड़ों के तदारुक और जाली जरी अद्वियात की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत का अमला मुसलसल फील्ड में फसलों की निगरानी पर मौजूद है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में अगीती काश्त वाले इलाकों से काश्तकारों ने कार्टर जीनर्स की जानिब से कम मुआवजा देने की शिकायत सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला है कि 8500 में ही लोग बेचे, उसके लिए तमाम DCs को, तमाम कमिश्नर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है।
खुशाइन बात है कि पंजाब भर में होने वाली कपास की काश्त का रकबा पिछले साल के मुकाबले में 10 लाख एकड़ से ज़ायद है। अब महकमा ज़रात की जानिब से अगीती पिचीती और मौसमी काश्त की मैनेजमेंट पर तमाम तवज्जो मरकूज है। पंजाब में कपास की पैदावार पर मौसमियाती तब्दीलियों का गहरा असर है। कपास की ऐसी किस्म की जरूरत है जो ज्यादा गर्मी और पानी की कमी को पूरा कर सके। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में मुल्क भर से तमाम नशस्तों पर भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शेखपुरा की तहसील शरकपुर में वाटर सप्लाई मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। आइंदा इलेक्शन में नौजवान उम्मीदवारों को सामने लाया जाएगा ताकि वो कामयाब होकर बेहतर तौर पर मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। जनाज़ा खबरनामे में शामिल मजीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद, पिशावर और मुल्तान के बाद अब लाहौर और सियालकोट में एक साथ प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत आसान कारोबारी कर्जाजात के चेक्स की तकसीम, होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पीटीआई दौर में मुल्क तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया, कोई तरक्कियाती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। वो कराची में किमाड़ी के मुकाम पर गर्ल्स कॉलेज का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने नफरत की सियासत को फरोग दिया, चेयरमैन पीटीआई को अदम एतमाद से हटाया गया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात एक मंसूबा बंदी के तहत किए गए। ये प्लांटेड है, ये बाकायदा चुना गया है इस पाकिस्तान की नाउजुबिल्ला मेरे मुंह में खाक तबाही करने के लिए और टुकड़े करने के, और उसका सबूत इसने वो आखिरी कदम भी 9 मई को उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, ANP, BNP, इन्होंने बगैर सोचे समझे कोई इक्तदार के लिए हुकूमत ली थी तो ये अपनी खाम ख्याली दूर कर ले कि हमें पता था कि हालात इंतहाई मुश्किल हैं, ये शख्स इस मुल्क को तबाह कर चुका है, लेकिन आखिरी कीलें चंद बाकी हैं, उससे पहले पहले मुत्तहिद हो जाओ और इस मुल्क को बचाओ। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के फरोग के लिए कोशां है और नौजवान नस्ल को तालीम की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने केमाड़ी में गर्ल्स कॉलेज का संगे बुनियाद रखा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। उधर पिशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि मुस्लिम लीग दून ने हमेशा खिदमत की सियासत की है, हमारी कारकर्दगी इस बात का सबूत है। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इख्तदार की हवस में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, चेयरमैन पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून दोबारा इख्तदार में आकर अवामी मसाइल हल करेगी। शरीफ ने डिलीवर किया उस पाकिस्तान को अपने सियासत का परवाह नहीं किया, डिफॉल्ट होने से बचा दिया और पाकिस्तान को एक ट्रैक पर चढ़ा दिया, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान में वही जो 2013 में नवाज शरीफ आया, पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने ट्रैक पर डाल दिया, IMF का कचकोल भी तोड़ दिया, मुल्क में अमन भी लाया। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की हुकूमत आके वही समरात इन आवाम को मिलके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो वादे किए थे और जिस मकसद के लिए किया था इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि तमाम मजाहिब के मुकद्दसात की इज्जत
سب کا فرض ہے۔ بطور مسلمان ہم تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں اور تمام مذاہب کی تکریم کرتے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے درخواست ہے کہ مقدسات کی توہین سے متعلق قانون بنایا جائے۔ اسرائیل اور بھارت کے ناپاک عزائم کسی صورت پورے نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کو معاشی طور پر شدید نقصان پہنچایا، اگر وزیر اعظم شہباز شریف آگے بڑھ کر باغ دوڑ نہ سنبھالتے تو ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ جناب معروف شاعر اور ادیب قائم نقوی کو ہم سے بچھڑے ایک برس بیت گیا، مگر آج بھی ادبی محفلیں ان کے ذکر کے بغیر ادھوری ہیں۔ ان کی یاد میں لاہور میں ادبی بیٹھک کا احوال بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ یہ چشم و چراغ تھے، وہ 6 جون 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ قائم نقوی طویل عرصے تک ادبی مہنامہ مہنور کے مدیر رہے۔ بعد ازاں نمود کے نام سے انہوں نے اپنی عدالت میں رسالہ نکالا۔ نامور شاعر ادیب دانشور قائم نقوی کی یاد میں الحمرا ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد ان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ قائم نقوی سادہ طبیعت کے انسان تھے، وہ بے لوس بے ضرر شخص تھے۔ ان میں ایک بہت اچھا حصے مزاح بھی تھا، اور کبھی وہ یوں ہی کوئی بات کہہ جاتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا۔ جو ایک چیز میں نے ان میں پائی وہ یہ کہ بہت ہی مضبوط کردار کے انسان، بہت ہی نفیس انسان۔ وہ ایک بے لوس شخصیت تھے اور دوستوں کا دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ قائم نقوی کے ادبی رسالے میں نامور ادیبوں، شاعروں کے افسانے شائع کیے جاتے تھے۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی رنگ نمایاں ہے، گویا زندگی کے ہر دور میں وہ علم و ادب کی روشنی پھیلاتے رہے۔ سب سے نمایاں پہلو ان کی شخصیت کے یہ تھا کہ وہ ایک رہبر کا کردار ادا کرتے تھے اور نئے آنے والوں کے لیے راستہ بناتے تھے۔ انہوں نے پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں بہت اچھی شاعری کی۔ درویش صفت انسان قائم نقوی 73 برس کی عمر میں 2 اگست 2022 کو ریڈیو پاکستان کے پروگرام کے دوران حرکت قلب بند ہونے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائم نقوی ایک اچھے شاعر، ادیب اور کامیاب مدیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش فیصل آباد میں 80 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گجراوالہ 79، مری 49، سوکھاڑا 40، سیالکوٹ 29 اور چکوال میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لاہور، گجرات، ساہیوال، اسلام آباد، اٹک، پالم جبہ، کاکول، بالاکوٹ اور گڑی توبٹہ میں بھی بادل برسے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، خطۂ پوٹوہار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے دال بندین کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی میں بھی 45، ملتان 38، سرگودا 35، جبکہ فیصل آباد میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے، اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 32، کراچی میں بھی 32، جبکہ پشاور اور کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی اب تک کی صورتحال۔ السلام علیکم، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ناظرین، کھیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بینکاک میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے محمد یاسر نے
कांसी का तमगा जीत लिया। चैंपियनशिप में मोहम्मद यासिर ने जैवलिन थ्रो में मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। मोहम्मद यासिर ने 79.93 मीटर थ्रो की और तीसरे नंबर पर रहे। मुकाबले में जापानी एथलीट रॉड्रिक ने गोल्ड और भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। गोल क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन खेल के अख्तितम पर श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 242 रन बना लिए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो इब्तदाई 3 बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बन गए। शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल की। 54 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज और धनंजय डी सिल्वा के दरमियान 131 रन की शराकत ने श्रीलंका की पोजीशन को बेहतर किया। दोनों ने निफ सेंचुरियां स्कोर की। बाद में एंजेलो मैथ्यूज 64 रन बनाकर आउट हुए। धनंजय डी सिल्वा 94 रन पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 3, नसीम शाह, आगा सलमान और अबरार अहमद ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा वॉलीबॉल की सबसे बड़ी लीग का आगाज कर दिया गया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम जलालाबाद में KVSL की शानदार इफ्तिताही तकरीब हुई। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मकामी गुलूकार सुहेल अब्बासी ने KVSL का थीम सॉन्ग मैदान मार ले पेश किया। इस हवाले से देखते हैं अदील अहमद खान की ये रिपोर्ट। कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें खिलाड़ियों और खेलों से वाबस्ता अफराद और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर KVSL ट्रॉफी और थीम सॉन्ग की रोनमाई भी की गई। इससे पहले टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीमों के खिलाड़ियों ने KVSL फ्लोट पर शहर का चक्कर भी लगाया। मरकजी वाने सहाफत मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान KVSL में शामिल तीनों डिवीजन की वॉलीबॉल टीमों के कप्तानों ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग का इनेकाद खुशाइंद है। बहुत अच्छा हम फील कर रहे हैं और KVSL की इंतजामिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे जो नौजवान है, यंग टैलेंट है, उसको सामने लाने के लिए इतना अच्छा हमें मौका प्रोवाइड किया है। पूंछ डिवीजन में आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो वॉलीबॉल को खेला भी जाता है और देखा भी जाता है, उसको पसंद किया जाता है। KVSL के मुकाबले 21 जुलाई तक मुजफ्फराबाद में जारी रहेंगे, जिसमें स्मैश और शूट के अलग अलग मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। इस किस्म की सरगर्मियों के इनेकाद से आज़ाद कश्मीर में खेलों के फरोग के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार और निखार का मौका मिलेगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। स्कर्दू की तहसील रोंदो की खूबसूरत वादी तुरमक में दूंसा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फ्री स्टाइल पोलो के मुकाबलों ने मेले को 4 चांद लगा दिए। तफसील जानिए मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट में। स्टाइल पोलो को गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई खेल होने के साथ साथ अहम मकाम हासिल है। तमाम अजला में ये खेल स्पोर्ट्स इवेंट्स का लाजमी हिस्सा होता है। स्कर्दू शहर से 2.5 घंटे की मुसाफत पर वाकई खूबसूरत वैली तुरमिक में 2 रोजा दोनसा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें मकामी पोलो टीमों के माबेन दिलचस्प मुकाबले हुए। 2007 से हमने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया है। उससे पहले हमारे बाप दादा खेलते थे तकरीबन बहुत पहले से। हर सू सब्जों की बहार और ग्लेशियर के दामन में दिल फ्रेप मकाम पर फेस्टिवल के इनेकाद से इलाके की सियाहत के फरोग में मजीद मदद मिलेगी। मेन मकसद यही है कि यहाँ का टूरिज्म को प्रमोट करना है और यहाँ की जो ग्रीन लश ग्रीन जो वैलीज है उनको हमने इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर लोगों को दिखाना है। सयाहों और मकामी लोगों का कहना है कि दोनसा तक सड़क की रसाई को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। दोनसा फेस्टिवल में फ्री स्टाइल पोलो जहाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज है, वही दीगर खेलों से भी सयाह खूब लुत्फंदोज हो रहे हैं। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, दोनसा। नाज़रीन, पेरिस के मज़ाफ़ाती इलाके सार्सिलिस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और सार्सिलिस के मेयर पैट्रिक हदाद ने मुश्तरका तौर पर सार्सिलिस क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह किया। फ्रांसीसी रुकन पार्लियामेंट कार्लस मार्टिन लोंगो भी इफ्तिताह पर मौजूद थे। इस मौके पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान एक नुमाइशी मैच भी खेला गया, जिससे शायद जनाजिन के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाजिया खान को इजाजत दीजिए, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।